यह कहानी है सुंदरबन जंगल की, जिसमें कालू कौवा और टूनी चिड़िया साथ में रहते थे। और कालू कौवा के पास आम का बगीचा था और वह आम को बेचकर अपना घर का गुजारा किया करता था। कुछ दिन के बाद कालू कौवा अपने बगीचे में गया तो देखा कि पेड़ पर एक भी आम नहीं लगा था और वह उदास होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों बैठे हैं आप? कालू कौवा बोला, क्या बताऊं, इस बार आम के पेड़ में एक भी आम नहीं लगा है, कैसे हमारा घर चलेगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लगता है इस बार फल देर से लगेगा, कुछ दिन बाद जाकर देख लीजिएगा। चलिए खाना खा लीजिए, फिर कुछ दिन बाद। कालू कौवा बगीचे में जाता है लेकिन पेड़ में उसे एक भी फल नज़र नहीं आता है। कालू कौवा उदास होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक छोटी सी टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, मैं एक छोटी सी जादुई टूनी चिड़िया हूँ, जो मैं गरीब और बेसहाय की मदद करती हूँ। मैं देखी कि तुम उदास बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई और मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ और मैं तुम्हें एक जादुई आम देती हूँ। और आज तुम इस जादुई आम को अपने बगीचे में डाल दो और कल आना, तुम्हारा आम बड़ा होकर मीठे और रसीले आम लग जाएगा। और कालू कौवा ने अपने बगीचे में आम को डाल दिया और घर वापस आ गया। और उसने अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से सब बातें बताई और उसके एक दिन बाद वह दोनों अपने बगीचे में गए और देख कर हो गए, क्योंकि छोटी टूनी चिड़िया ने जो आम दी थी वह आम बहुत ज़्यादा मात्रा में आम लगा था। और वह दोनों बहुत खुश हो गए और उस आम को बाज़ार में बेचकर उसने अपना घर चलाने लगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।